हे गाइस, वेलकम टू जतन प्रोडक्शन। तो आज हम बात करते हैं HTML इमेज मैप के बारे में। तो HTML इमेज बेसिकली क्या करता है कि आपको किसी भी इमेज पर यदि क्लिकेबल एरिया बनाना है तो आप HTML मैप इमेज मैप की हेल्प से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक टैग चाहिए होता है जिसे मैप होता है, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है अभी। और जो मैप होता है वो इमेज को क्लिकेबल एरिया बनाता है, ओके। और इसके लिए एक एरिया भी डिफाइन होता है, एरिया टैग डिफाइन होता है, जो कि आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। यदि आपको एक ही इमेज पे दो लिंक बनाने हैं, तीन लिंक बनाने हैं, तो ये वर्क कैसे करता है? तो बेसिकली इसके पीछे आइडिया ये था, अलग अलग टास्क परफॉर्म किए जा सके। एक ही इमेज के ऊपर आप जैसे दो या तीन या चार लिंक दे सकते हो, ओके। और इसे क्रिएट करने के लिए हमें एक इमेज चाहिए होती है और कुछ HTML कोड जो डिस्क्राइब कर सके क्लिकेबल एरिया को, ओके। तो सबसे पहले हम इमेज डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए IMG टैग का यूज करते हैं। IMG टैग SRC में हम उसका लिंक देते हैं, इमेज / वर्कप्लेस .jpg। यदि इमेज टैग आपके लिए न्यू है तो आप हमारी पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने इसको बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ऑल्ट कीबोर्ड, ऑल्ट एट्रीब्यूट, प्लेस, एंड यहां पर हम एक चीज और डिफाइन करते हैं, यूज मैप में हैश, और आपको जो भी वैल्यू, मैं यहाँ पे वर्कप्लेस ही देता हूँ, आप जो भी वैल्यू देना चाहें यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, ओके। तो अभी हम इसको सेव करके रन करते हैं, ओके। तो ये अब हमारे पास एक इमेज आ गई है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है लेकिन ये एक हमारे पास इमेज है। नाउ हम मैप टैग का यूज करते हैं। मैप के अंदर नेम लिखते हैं, नेम आपका यूज मैप वाला ही नेम होगा, बस हैश हट जाएगा ताकि वो डिफाइन इन दोनों के बीच रिलेशन बना सके, ओके। अब हम एक एरिया डिफाइन करते हैं, एरिया के अंदर शेप में हम चार तरह के से शेप डिफाइन कर सकते हैं, एक रेक्ट, सर्कल, पॉली और डिफॉल्ट। तो रेक्ट के अंदर रेक्टेंगल, सर्कल के अंदर सर्कुलर, पॉली के अंदर पॉलीगन एंड डिफॉल्ट के अंदर एंटायर स्क्रीन, ओके। तो हम यहाँ पर हमने इमेज देख ली है, तो हमें इसके अंदर इस मोबाइल को सिलेक्ट करना है कि मोबाइल के यदि हम ऊपर क्लिक करें तो ये हमें कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट करें, ओके। तो हम सबसे पहले रेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे एंड कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप पेंट का यूज़ कर सकते हो या किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो उस इमेज को। मैं फोटोशॉप का यूज़ करता हूँ, तो फोटोशॉप के अंदर मैंने ये इमेज अपने डाल ली है एंड मुझे कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। तो मुझे ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये लगभग 860 के आसपास एक्स में कोऑर्डिनेट्स हैं और 800 के आसपास वाई में कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके। तो हम एक्स एंड वाई लिखते हैं इसको, तो 860 एंड सेकेंड था 800, ओके, 800। अब हमें सेकेंड कोऑर्डिनेट्स पता करने, तो हम एक एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और इधर से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये अप्रोक्स है 1900 एंड
1320, तो 1320 एंड 1900, ओके। तो एचडीएफ के अंदर हमें लिंक देना है इस चीज़ का, तो मैं विकिपीडिया का लिंक दे देता हूँ। तो मैंने लिंक को पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर बस मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ। तो अब मैं जाता हूँ, देखिए यदि मैं फोन के ऊपर अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये एक लिंक की तरह बिहेव कर रहा है, कि जैसे यहाँ पे कोई लिंक है, यदि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये विकिपीडिया पे लेके जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे विकिपीडिया का मोबाइल फोन सेट किया हुआ है। ओके, तो ऐसे आप यहाँ से रेक्टेंगल का शेप यूज कर सकते हैं। हम एक और शेप यूज करके देखते हैं एरिया का, इसके अंदर हम सर्कल यूज करते हैं। सर्कल, तो सर्कल के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कि आपको जैसे मुझे ये कॉफी सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से एक लगभग मिडल में एक वो रख देता हूँ एंड यहाँ से भी मिडल में एक, बिल्कुल मिडल में। ओके, तो अभी मैं देखता हूँ तो ये 1880 एंड सेकेंड वन है 2700। तो 1800 2700, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अब आपको रेडियस का पता करना है, कि बस ये बाहर तक जितना भी एक रेडियस का होगा, तो इसके अंदर तीन ही आपको कोऑर्डिनेट्स यूज करने होते हैं। तो रेडियस के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 500, तो हम यहाँ पर 500 पिक्सल, और ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो पिक्सल्स के अंदर है। एंड सेकंड के लिए मैं एचडीएफ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉफी का इमेज है जो। मैं कमांड एस कर देता हूँ और इसे ब्राउजर में ओपन करते हैं। ब्राउजर में ओपन करता हूँ तो अब यदि मैं कॉफी के ऊपर जाऊंगा तो ये लिंक बना देगा। यदि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे डायरेक्ट कॉफी के लिंक के ऊपर लेके चला जाएगा। ओके, अब हम इफ यदि मान लीजिए कि मुझे इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट यूज करके नोटिफिकेशन जनरेट करना है, तो आप हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन को बोलता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैं अपने फंक्शन को कॉल कर देता हूँ जो है माय फंक्शन। एंड इसके बाद हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन नेम के अंदर हम लिखते हैं माय फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है। माय फंक्शन, यहाँ से आर्गुमेंट को हटा देते हैं। एंड यहाँ पर मैं अलर्ट अलर्ट डिफाइन कर देता हूँ। यू क्लिक्ड द कॉफी,
ओके अब हम इसे सेव कर लेते हैं एंड ओपन इन ब्राउजर करता हूँ। तो अब जैसे ही मैं इसके कॉफ़ी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे सबसे पहले एक अलर्ट दिखाएगा और उसके बाद ये पेज पे जाएगा। तो आई होप आपको इमेज मैप समझ में आया होगा। इफ यदि आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।